Hi friends, I'm Dr. Prabhat and today we are going to learn about sexually transmitted disease. So, sexually transmitted disease, which is also known as STD, it is also known as RTI. What is RTI? It is reproductive tract infection. It is also known as STI. What is STI? It is sexually transmitted infection. What was STD? Sexually transmitted disease. And what is VI? VI is venereal disease. Venereal disease or venereal infection, you can say. No, infection or disease. So VD बोल सकते हैं, VI की जगह VD. These all three terms are synonym. Let's start. What is it? So as the name suggests, it's the disease which is being transmitted through sexual intercourse. एक बीमार से दूसरे में सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है बीमारी. दिस इज नोन एज एसटीडी और एसटीआई और आरटीआई और वीडी और वीआई. नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू नो, व्हाट ऑल इम्पॉर्टेंट एसटीडी वी कैन लर्न एट दिस लेवल फॉर नीट यूजी, है ना. फॉर नीट यूजी हमें क्या क्या पता होना चाहिए. सो एनसीईआरटी इज राइटिंग इतने लोगों का नाम. आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट यूजी. फर्स्ट, गोनोरिया कॉज्ड बाई कौन करता है बताओ? निसेरिया गोनोरी. व्हाट इज निसेरिया गोनोरी? निसेरिया गोनोरी इज ए बैक्टीरिया. इट्स ए बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सब हमें आगे देखना है जब हम MBBS कर रहे होंगे. अभी सिर्फ आप बैक्टीरिया नाम याद रखें. सिफिलिस इज व्हाट? इट इज बाय ट्रैपोनीमा पैलिडम. ये क्या है अपना? व्हाट इज ट्रैपोनीमा पैलिडम? इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया. What is genital herpes caused by HSV? Full form is herpes. I should write with other color, नहीं तो आप confused होंगे. So let's take this color. So it is by herpes simplex virus. As the name suggests, now it's a virus. Next we have chlamydiasis. ये किससे हो रहा है? By क्लेमाइडिया. व्हाट इज क्लेमाइडिया? क्लेमाइडिया इट्सेल्फ इज अ बैक्टीरिया. इट्स अ बैक्टीरिया. जेनाइटल वॉट किससे हो रहा है? जेनाइटल वॉट इज बाई ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना. फिर नाम से पता चल रहा है इट्स अ वायरस. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राइकोमोनियसिस. ये कैसे हो रहा है? ट्राइकोमोनियसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्राइकोमोना वेजिनेलिस. नाउ व्हाट इज दिस ट्राइकोनोमा वेजिनेलिस? इट्स अ प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक. देन वी हैव हेपेटाइटिस बी. अगेन इट्स अ वायरस, डीएनए वायरस. सो हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय अ डीएनए वायरस, है ना. डीएनए. देन एचआईवी, वी ऑल नो दैट इट्स आरएनए वायरस. In fact, it's a retrovirus. What is retrovirus? हम देखेंगे जो RNA से DNA बना सकता है. So this is the list which is given by NCERT, जो हमें याद रखना है under STD और RTI. इनके बारे में अब NCERT is writing that out of all these, whatever we have written till now, hepatitis, HIV, ये लोग कुछ वैसे हैं जो कि ना fluid exchange से फैलते हैं. मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो फैलते हैं. सो दे आर एसटीडी. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्लूइड एक्सचेंज से, फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉर एग्जांपल सिरिंज और इंजेक्शन शेयरिंग, है ना. या एनी फ्लूइड एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल मदर टू फीटस. So all these can also lead to the transmission of hepatitis and HIV. फिर NCERT आपको बता रही है that treatment of all these is possible if
दे आर डायग्नोज एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर टाइम। बट तीन नाम उन्होंने बोला है, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हर्पीज। ये जो येलो कलर में लिख रहा हूँ, ये जो येलो कलर पे हमने मार्क लगाया, ये एंड ये, NCERT सेइंग दैट इनका ट्रीटमेंट इज, इनका क्योर इज नॉट पॉसिबल, क्योर इज नॉट पॉसिबल। बाकी सारे में जिनको हमने येलो कलर से इनसर्कल नहीं किया है, उनका क्योर इज पॉसिबल इफ डायग्नोज दैट प्रॉपर टाइम। बट आप जब MBBS करेंगे, आप जब PG करेंगे, तो आपको पता चलेगा, इनफैक्ट हेपेटाइटिस बी एंड हर्पीज यदि टाइम पे पता करें आप, तो क्योर इज सम टू सम एक्सटेंड इट्स पॉसिबल। HIV के केस में फाइनली आप क्योर नहीं कर सकते। लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव डन टिल नाउ। वी हैव डन द लिस्ट, देन कॉजेटिव एजेंट, देन वी हैव सेड दैट टू आर बाई फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो, एंड द नेम ऑफ थ्री विच हैव बीन टोल्ड दैट दे आर नॉन क्यूरेबल। आइए देखते हैं व्हाट NCERT राइटिंग। इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग इंजेक्शन नीडल, ऑलरेडी आपने बता दिया है, बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाई मदर टू फिस्टस, है ना। फिर आपने मुझे बोला था एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, हर्पीज एंड HIV ऑल कैन बी डायग्नोज इफ, ऑल कैन बी क्योर्ड इफ डायग्नोज एट प्रॉपर टाइम। नाउ सी, नाउ वॉट NCERT सेइंग दैट इनिशियली द इनिशियल सिम्टम इज वेरी माइनर। फॉर एग्जाम्पल जेनिटेलिया में इचिंग होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, है ना, ये छोटे छोटे सिम्टम्स आएंगे। एंड सो बिकॉज ऑफ दिस एंड देर इज सम स्टिग्मा, है ना, कि फलाने को STD है, ऐसा हमारे सोसाइटी में कुछ स्टिग्मा है। बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, ये दोनों रीजन से द डॉक्टर और विजिट टू डॉक्टर इज जनरली एवॉइडेड, लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास। एंड ग्रेजुअली व्हेन दे आर विजिटिंग टू डॉक्टर, व्हेन दे विजिट टू डॉक्टर इट्स ऑलरेडी टू लेट। व्हाई इट्स टू लेट? नाउ द कॉम्प्लिकेशन हैज अपीयर्ड। नाउ व्हाट ऑल कॉम्प्लिकेशन यू विल सी इन दिस केस? इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के बाद क्या होगा? इन्फ्लामेशन। एनी इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फ्लामेशन, एंड एनी इन्फ्लामेशन फाइनली आप आगे पढ़ेंगे लीड्स टू फाइब्रोसिस। व्हाट इज फाइब्रोसिस? डिपोजिशन ऑफ फाइबर, यानी फाइबर्स डिपोजिशन। मान लो कि ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ फाइबर जमा हो गया, तो क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब ऑब्लिट्रेट हो जाएगी। सो इट विल लीड टू वॉट? स्टरिलिटी। सो स्टरिलिटी इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी पूरे पेल्विक में इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये हो सकता है। कैंसर हो सकता है। एबॉर्शन हो सकता है, है ना। स्टील बर्थ, व्हाट इज स्टील बर्थ? डेड बेबी का जन्म लेना, ना, मरे हुए बच्चे का जन्म लेना। सो दीज आर फ्यू ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ STD। सो लेट सी वॉट ऑल वी हैव डन। Early symptoms are minor and asymptomatic, hence undetected for long. There is some social stigma also, so people are not going to the doctor. And later, many complications like PID, like abortion, like stillbirth, what is ectopic pregnancy? Implantation anywhere except uterine cavity or lumen. है ना, यूट्राइन कैपिटल जहाँ होना है इम्प्लांटेशन, उसके अलावा कहीं और हो गया तो एक टॉपिक पे। ठीक, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? NCERT सेइंग दैट द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इज द ग्रुप इन विच यू पीपल आर, लाइक 15 to 24 ईयर्स, ना, दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। सो NCERT सेइंग दैट डोंट पैनिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो try to prevent it. What all step NCERT is suggesting? First, avoid doing sexual intercourse with unknown or multiple partner. The first suggestion NCERT is saying is this. Second suggestion NCERT is saying that always use barrier condom. And third suggestion NCERT is saying, even if there is slight doubt that you have some STD, please visit to doctor. So these three suggestions NCERT is saying for you. Let's see.
सो दिस इज द एज ग्रुप, अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर से नहीं, देन यूज कॉन्डोम एंड देन विजिट टू क्वालिफाइड डॉक्टर. ठीक डियर फ्रेंड, दिस वॉज रिगार्डिंग STD, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द इनफर्टिलिटी विच इंक्लूड्स ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, वी विल डू इन टू नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट ऑन इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सपना